बड़ी मुश्किल है कोई मेरी हाजरा, कोई उसे ढूंढ के लाए ना जी। तो यहाँ पर डीडी की हाजरा गवा चुकी हैं क्या? डीडी क्या हाजरा नामी बंदी का सचमुच में वजूद है, या ये एवं ट्रक की बत्ती के पीछे डीडी ने लगाया हुआ है सबको? तो डीडी साहब ने आज जी अपनी वीडियो में बयान दिया कि अपनी बीवी को, अपनी बीवी को नहीं, अपनी एक्स वाइफ को, भाई सुधर जा, नहीं तो मैं अली ने भिजवा देना तेरे को। आप ही खर्चा भी चुकी, बंदे ने भी जवाब दई। तो अब देखे भाई उनकी बीवी आगे से है, ये मतलब है एक्स वाइफ, बीवी तो अभी उनकी फातिमा है, वो आगे से अब क्या रिप्लाई करी, मतलब एक नवी कंट्रोवर्सी। ये लोग मौका कोई हाथ से नहीं जाने देते, सारा के व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, सबको खलबली मच चुकी है सबके बीच में कि भाई अब हम किसी तरीके से, क्योंकि सारा तो अब उनके पास है नहीं, चिड़िया उड़ गई। तो अब उन्होंने सोचा इस तरीके से अब कोई ना कोई बात करें जो लोगों का टर्न जो है वो हमारी तरफ मुड़े। और सितारा का जो घर है, जो आजकल लोग ने उसका, उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमारी तरफ भी दुनिया आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और खुर्रम रखे, ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने, और आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। जिनके पास घर नहीं, अल्लाह ताला उन्हें अपने घर दे। जिनके जिस मतलब जिस बंदे को जो चीज़ चाहिए, अगर कोई बंदा पास होना चाहता है, अच्छे मार्क्स ले, क्योंकि मेडिकल में जाना चाहता है, जारी बात है किसी का चैनल ग्रो नहीं कर रहा, अल्लाह ताला उसे भी कामयाब करें, मतलब कामयाबियाँ आपके कदम चूमें। यहाँ पर मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि सितारा वो वाहिद खातून नहीं है जिसे मैं सपोर्ट कर रही हूँ। हर कोई औरत जिसके साथ दुनिया में गलत होगा, सिर्फ औरत ही नहीं मर्द के साथ भी, उसके लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे जी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज नी नजमा के ऊपर। नी नजमा को याद आ गया जब लोगों के कमेंट्स किए, बहुत सारे याद आ गए। अब नहीं नहीं मेरी सितारा ने हमें बहुत अच्छा फर्नीचर लेके दिया है भाई, आप लोग होते को ना। यहाँ पे नी नजमा मेरे ख्याल से कमेंट्स का कुछ ज़्यादा ही असर ले लेती हैं। नी नजमा का कहना था कि प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ऐसा ना कहा करें, वैसा ना कहा करें, हमें तकलीफ़ होती है। भाई आप नी नजमा, आप क्यों कमेंट्स पढ़ती हैं अगर आपको तकलीफ़ होती है? आप सर से गुजार जाया करें, मतलब ऐसे कहती भाई लोग हमें कहते हैं कि सितारा का थंबनेल यूज़ ना करें, सितारा का नाम यूज़ ना करें, क्यों ना करें? भाई आप लोग कौन होते हैं हमें मना करने वाले हैं? बात तो वैसे सोचने की है भाई, कौन हो भाई आप लोग? भाई हम उसके रिश्तेदार, सितारा हमारी बेटी, सितारा हमारी बहन, सितारा हमारी नन, सितारा हमारी कज़न। तो अगर हमारा हक नहीं है तो क्या आप लोगों का हक है? दसो। तो यहाँ पर खैर जी वो काफ़ी बपरी हुई थी, लेकिन आज उन्हें याद आ गया जब लोगों ने यहाँ पर कुछ, जारी बात है सपोर्टर्स ने वीडियोस बनाई जिनमें से मैं भी थी और भी लोग थे, जिन्होंने कहा कि भाई फारूक भाई को ये फर्नीचर वाली बात यहाँ पर आके नहीं करनी चाहिए थी, इग्नोर कर देनी चाहिए थी, या आके कहते कि भाई फर्नीचर अच्छा है। आज वही बातें जो है वो नहीं नजमा ने की हैं। नजमा ने आके कहा है कि भाई सितारा हमारी बहुत हेल्प करती है, हमें सितारा पर इतने, यहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरी बेटी जासूसियाँ करती, मेरी बेटी ऐसी कोई जासूसी नहीं करती। हाँ एक दिन उसने मुझे उससे पूछा था कि अम्मी किस तरीके से बिरयानी है, बिरयानी में रंग शंग का कुछ पूछा था, तो क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पे आके बताया कि हाँ मैं कल के व्लॉग में सितारा की बिरयानी बनने वाली है? पॉइंट तो है, पॉइंट भी नोटेड भाई, लोगों सोचो ज़रा। तो ये बात मुझे नजमा की बहुत ज़्यादा हंसी आई, और दूसरी तरफ जी यहाँ पर यार मुझे बड़ी हंसी आती है दिलबर की। अच्छा भला इंसान लग रहा था बीएड के साथ, देखो यार दाढ़ी के साथ कितना अच्छा लग रहा था। इस बंदे को ये नहीं पता, इस पेंडू पंडक्शन को, कि दाढ़ी के साथ एक बंदे की अच्छी ग्रेस लगती है, लड़के खूबसूरत लगते हैं। आजकल तो छोटी छोटी उम्रों के लड़के हल्की हल्की बीएड रखते हैं, एक ग्रेसफुल लुक आती है। ये गए वहाँ पर सैलून पर जाकर सारी दाढ़ी को टुंड मुंड शुंड करवा दिया, और जब टुंड मुंड शुंड करवाया तो वहाँ पर ये बिल्कुल अब मैं क्या कुछ छिले हुए आलू जैसे लग रहे थे। मैंने इसको कमेंट भी किया था, इसने लोगों से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने इसे कमेंट किया आप पूरे मस्टंडे लग रहे हो। हर सॉरी दिलबर, लेकिन कसम से आप बड़े अजीब से लग रहे थे। साथ में इसने ये भी कहा था कि कुछ लोगों को मेरी ये लुक अजीब लगेगी, अजीब बिल्कुल लगी, बहुत से लोगों को लगी होगी, क्योंकि यार आप
तीन बच्चों के बाप हो, मैं ये नहीं कहती कि आपको बुढ़ा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, पर्सनैलिटी होती है ना, बनी हुई पर्सनैलिटी बनाई यार। मेरे ख्याल से इनके शौक हुए, मैं 16-17 साल वाले लोग जो लड़के नहीं होते जिनकी ज़रा ज़रा सी मूछें निकलती हैं कि चलो भी हम अपनी अपनी जो ज़रा ज़रा सी कांटो टाइप की मूछें इन्हें क्लीन कर दें। भाई अच्छे वाले मर्द हो, मर्द बन के दिखाओ ना, ये कितनी अच्छी लुक लग रही थी यहाँ पर। इसकी वो वाली तस्वीर मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिल्कुल आगे आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो सब ने इनकी वीडियो में देख ही लिया होगा, दिलबर की वीडियो में। बाकी जी दिलबर ने आज करारे करारे जवाब दिए यहाँ पर आकर अपनी एक्स वाइफ को, अपनी एक्स वाइफ से कहा वो ये सुधर जा सुधर, क्योंकि वैसे यहाँ पर मैं दिलबर का साथ दूंगी, दिलबर ने बिल्कुल सही बात की है। जब बच्चा 1.5 साल का था तब ये आयशा बीबी छोड़ के जा चुकी थी, तब इन्हें नहीं पता था मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मेरी तवज्जो की ज़रूरत है, तब दिलबर ने अकेले ने पाला इसको। फिर दिलबर ने जब शायद ये देखें जी, देखें देखो क्या लग रहा है, ये देखो आप लोग खुद इंसाफ करो, लग रहा है कि नहीं लग रहा, चिल्ला हुआ यकीन करो मैं नहीं झूठ बोल रही। तो यहाँ पर खैर दिलबर की बात मैं कर रही थी, तस्वीर देख के मुझे कुछ और याद आ गया। तो अब उसको बैठे बैठाए एकदम से याद आ गया कि हाँ भाई मेरा दिल करता है मेरा बेटा मेरे पास का माँ है, हो सकता है करता भी हो, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि आगे इसकी औलाद नहीं है शायद अगले घर में अगले शोहर के साथ। तो जाहिर सी बात है भाई, तुम शादी करके अगले शोहर के साथ रह रही हो, फिर साथ में ये भी कह रही हो कि इसको रखूँगी मैं, इसको पढ़ाऊँगी मैं, मतलब सुतेले बाप के साए के नीचे ये अपने उसके असल बाप के होते हुए बच्चे को ये अपने पास रखेगी, खर्चा लेगी सगे बाप से। क्यों, वो अपना इकलौता बेटा, उसका कोई और बेटा भी नहीं है, वो किस तरीके से आपको उठा के दे दे, वो बच्चा जिसको इसने खुद पाला है। तो ये वो और दिलबर का कहना यहाँ पे ये था, देखिए जो मेरा बेटा है उसने कहा था इसके सामने कि मैं अपने पापा के साथ रहूँगा, और ये रियलिटी है। बच्चा 2 दिन के लिए माँ पचकारेगी, प्यार करेगी, हाय मेरा बेटा, ये चीज़ खानी है, किस चीज़ से रोकेगी नहीं 2-3 दिन के लिए। तो शो ज़रूर हो सकता है कि बच्चा अट्रैक्ट करे माँ की तरफ, जाए भागे, लेकिन जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा होता है, बचपन के वो छोटी सी एज, वही 1.5 साल की एज से अब तक मेरे ख्याल से 10-11-12 साल का, तो या 10 साल का तो बच्चा शायद हो चुका है ये इतना, तो उस वक्त से अब तक का, तो अब इसे याद आया है। तो यहाँ पर दिलबर ने मेरे ख्याल से आज दिलबर की जो बात है मुझे अच्छी लगी है, लेकिन जहाँ पे दिलबर गलत होता है वहाँ पे हम इन्हें ज़रूर गलत कहते हैं। बाकी ये है कि इस तारा के व्लॉग से तवज्जो हटाने के लिए हाजरा हाजरा करता है, हाजरा मुझे नहीं लगता कि हाजरा नामी कोई बंदी है या हाजरा का वजूद है। कल मुझे बड़ी हंसी है जब ये मैं कह रहा था कि अब से मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, शाम को कह रहा था आओ हाजरा बताऊँ हाजरा कौन है, लेकिन बताया इसने फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता, खुद को पता होगा तो ये आप लोगों को बताएगा। और दूसरी तरफ आज फिर रिएक्शन दे दिया अपनी एक्स वाइफ के ऊपर, भाई रिएक्शन देना दिलबर छोड़ दे ऐसा। मैंने कल क्या कहा था कि ये दोनों बहन भाई कभी भी नहीं सुधर सकती यार, बर्फ तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो ना यार, मत कहा करो कि हम रिएक्शन छोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या तो फिर दो को भाई हम लोगों ने देना है रिएक्शन, हम लोग नहीं बाज रह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा लिमिट पर रह के दिया करें रिएक्शन। जैसा कि आज अपने अपनी बीवी से बात की, सॉरी बीवी ने यार मेरे मुँह से फिर निकल जाता है, एक्स वाइफ उसने लिखा है बीवी, तो अब एक्स बोल देते हैं, एक्स वाइफ से बात की तो वो थोड़ा सा था हजम होता है उस तरह सा, लेकिन आप गंदी ज़बान इस्तेमाल मत किया करें, वो बहुत ही बुरा लगता है। ज़ाहिर सी बात है जब सोशल मीडिया पर बैठ के आप लड़कियों को बेइज्जत करते हो, आप भूल जाते हो कि ये सोशल मीडिया है भाई, कोई तमीज़ तहजीब नाम की चीज़ भी होती है। बाकी नई नजमा की तरफ आते हैं, नई नजमा की वीडियो में आज उसने बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे, इस तरह कि अभी उन्हें पता है कि यहाँ पर मेरी बेटी की शादी होगी तो वहाँ पर भी हमें व्यूज़ आएंगे, अगर हम इस तरह की ऑडियंस को नाराज़ कर देंगे तो ऑडियंस हो जाएगी नाराज़, अभी तो हमने शादी करनी है, अभी तो हमने पैसा कमाना है, अभी तो व्यूज़ आएंगे तो लोग हमें देखेंगे नहीं, यहाँ पर लोग हमें बुरी बुरी बातें भी करेंगे। बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया नजमा ने आके, अच्छी बात है। यही बात आप लोगों ने पहले की होती फर्नीचर की, जब फारूक भाई ने आके कहा कि अगर कोई गिफ्ट दे तो बंदा आगे से क्या करे, तो यही बात मुझे अब वाली बात अगर पहले ही कर दी होती तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता। तो बाकी ये है कि उन्होंने कहा कि फुफ्फी है, फुफ्फी ने अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया है, तो अच्छी बात है यार। अब कह रही थी कि फर्नीचर भी न्यू है पुराना नहीं है, तो यार पहले ही ऐसी बातें क्यों करते हो। वैसे ये बात भी मुझे अच्छी लगी है नजमा की, नजमा ने क्लैरिफिकेशन दी है कि वहाँ पर अपनी दादी के साथ रह रहे, पहले आप लोगों ने सितारा को गंदा किया कि सितारा जो है वो अबू यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई सितारा ने बाप को निकाल दिया, माँ को अकेला रखेगी, तो आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। नी नजमा का कहना था कि जो अम्मी है वो अबू के बगैर नहीं रह सकती, और ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अंकल जो हैं इस टाइम पर अब ओल्ड एज में जा रहे हैं, जारी बात है बूढ़े हो रहे हैं, आंटी भी जा रही हैं,
तो जो औलाद जितनी मर्जी केयर कर ले, जाहिर सी बात है सारा के अपने बच्चे सारा के घर के काम है, लेकिन मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में होती है, तो वहाँ पर उनको बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे सपोर्टर से भी गुजारिश करूँगी कि यार जब उनकी सारा की अम्मी के जो हस्बैंड हैं यानी जो चाचू हैं उनकी औलाद कुछ गलत बकवास कर जाती है, कुछ गलत बोल जाती है, तो उसका ज़िम्मेदार यहाँ पर चाचू को मत ठहरा जाए। ये बुरी बात है यार, जाहिर सी बात है बूढ़े बंदे हैं और इस टाइम बंदे में इतनी बर्दाश्त भी नहीं होती कि वो ये सब, और वैसे भी अब तो है भी चाचू का भी चैनल मौजूद है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।